हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, टाइम एंड डिस्टेंस का। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम क्या देखने वाले हैं, जो हमने पार्ट वन में देखा था उसके आगे हम फर्दर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। तो इससे पहले पार्ट वन में हमने कवर किया था, फार्मूला कवर किया था, उसके बेसिस पे हम आज एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मैन है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। एक मैन है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, मान लो यहाँ से चला कार से और यहाँ तक चला, ठीक है। एक डिस्टेंस पे वो चला, उसकी जो स्पीड थी वो थी 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट मीन ये हमारे पास क्या है, एक्स है। एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला वाला डिस्टेंस उसने कार से चला और उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाली क्या है, स्पीड है। और ये वाली भी इसकी क्या है, स्पीड है। दूसरी बार ये चला स्कूटी से, तो ये डिस्टेंस कितना चला, 55 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन यहाँ से दूसरी बार वो चला, यहाँ पे वापस आया, तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट मीन ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, वाई की। देन फाइंड द एवरेज स्पीड, हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, होल जर्नी की एवरेज स्पीड। दैट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके वापस घर तक, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में एवरेज स्पीड का फार्मूला, 2xy/x+y, ठीक है। तो हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 × x। x कितना है यहाँ पे हमारा, x हमारे पास यहाँ पे है 70 इंटू वाई, वाई कितना हमारे पास यहाँ पे 55, y है 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 70 प्लस वाई की वैल्यू है 55, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस करेंगे तो इन इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 61.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, 61.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शनों में से आपके पास एक ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा, आपको टिक कर लेना ये वाला आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, ठीक है। एक मैन है, वो अपने हाउस से अपने ऑफिस को जाता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर करता है ऑन स्कूटर, स्कूटर पे, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे पर्सन है, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, उसका यहाँ पे घर है और यहाँ पे मान लो उसका क्या है, ऑफिस है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर से। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वहां ऊपर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकाली थी, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड दी है। तो एवरेज स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ही इज लेट बाय 10 मिनट, ठीक है। तो जब उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो लेट हो रहा है कितने मिनट, 10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे वो लेट हो रहा है कितना, 10 मिनट लेट, ठीक है। जब उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ थी तब कितना लेट हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है। ही इज 10 मिनट लेट। हाउएवर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, ठीक है। जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है तब वो 10 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन सेम जब उसकी स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो तब क्या हो रहा है, तब वो 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है, 5 मिनट अर्लियर, ठीक है। जब उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तब वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है ऑफिस में,
जब उसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तब वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ऑफिस। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है उसके घर से लेके उसके ऑफिस तक का कितना डिस्टेंस है। दैट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है घर से लेके ऑफिस तक वो कितना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन है, लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर। मान लेते हैं ये हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं लेट जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारे पास एक्स। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद जो पीछे हमने प्रूफ देखा था एक क्वेश्चन का, उसके बेसिस पे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम अगर बात करें टाइम टेकन, ठीक है, तो हमारे पास कितना टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, पीछे हमने देखा था फार्मूला स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको रिमेम्बर कर लेना है, इससे बाकी फार्मूलाज ड्राइव होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हम बात करें स्पीड दी है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, जूम कर लिया, डिस्टेंस हमने जूम किया है एक्स और स्पीड हमारे पास दी है। तो हम इसमें से क्या निकालना है, टाइम निकालना। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, ये इसकी जगह पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू के आगे है और डिवाइड में है, जो चीज डिवाइड में होती है पीछे आके वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। दैट मीन ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये फार्मूला पीछे भी है, डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले की बात करें हम फर्स्ट की, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हमारे पास है, डिस्टेंस सिंपली एक्स है, दोनों के लिए एक्स है। और स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले में, 30 है। दैट मीन्स टाइम कितना आ गया हमारे पास, हावर्स में, किलोमीटर पर हावर है, तो टाइम किस में हो गया, हावर में हो गया, ठीक है। वैसे ही हम दूसरे की बात करें टाइम टेकन, एक बार हम बात कर रहे थे किससे वो चला, स्कूटर से चला, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बार भी स्कूटर से चला लेकिन स्पीड ज्यादा थी, तो फर्स्ट बार जो टाइम लगा वो इतना लगा और सेकंड बार में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस पर स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम रहेगा एक्स और स्पीड लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है, स्पीड है 40, दैट मीन्स हॉर्स, ठीक है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ओके, 40 बाई एक्स बाई 40, ठीक है। देन हम अगर देखें डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन, जो हमने टाइम लिया उसके बीच में डिफरेंस कितना है। फर्स्ट बार जो हम कितना लेट पहुंचे थे, 10 मिनट लेट पहुंचे थे। दूसरी बार में हम 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, अर्लियर पहुंच गए थे, वो पीछे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट बार हम 10 मिनट लेट पहुंचे थे और सेकेंड बार हम 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास डिफरेंस आएगा 15 आएगा, दैट मीन 10+5 इक्वल टू 15 मिनट, ठीक है। अगर ऐसे ही हमारे पास कहीं पे भी लेट और अर्लियर यहाँ पे लिखा होगा, कोई भी टाइम होगा लेट और अर्लियर, तो हम दोनों टाइम को प्लस करेंगे, वही हमारा डिफरेंस होगा बिटवीन द टाइम टेकन, ठीक है। दैट मीन 15 मिनट, अगर 15 मिनट को हावर में कन्वर्ट करना होगा, घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे 60 से। अब हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, मैं ये बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। 15 ones are 15, 15 fours are 16, ठीक है, दैट मीन्स 1/4 आवर, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, डिवाइडेड बाई 16 क्यों किया। अब हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सेकंड आता है, फिर मिनट आता है, फिर हावर आता है, ठीक है। तो जब भी हमने छोटे से बड़े वाले में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जब भी हमने बड़े से जब भी हमने क्या करना है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है,
जब भी हमने छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तब हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब हमने बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होता है तब हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट क्या है, छोटा है, इसको हमने आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन छोटे को हमने बड़े में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का हमारे पास 1 आवर होता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर हम बात करें x/30 माइनस x/40, x/30 माइनस x/40 इक्वल टू 1/4, दैट मीन जो डिफरेंस है फर्स्ट का माइनस सेकंड का, जो फर्स्ट में हमने टाइम लगाया वो माइनस जो सेकंड में टाइम लगाया वो इक्वल टू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। ठीक है, फर्दर इम्प्लाइज दैट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले अगर हम इसको सिंपली इसमें से कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन नहीं लेंगे ऐसे कर लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 40x माइनस इसको इसके साथ 30x डिवाइडेड बाय 14 into 30, मीन 13 into 40 इक्वल टू 1/4 के बराबर। ठीक है, फर्दर अप्लाइज दैट ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं हम 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 कॉमन लिया। ठीक है, 10 4 14, दैट मीन 4x माइनस यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 30 into 40 इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, फर्दर एम्प्लाइज दैट ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 40 into 3, 40 into 3 बचा हमारे पास इक्वल टू 1/4 के बराबर बचा। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3x इंटू इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल टू 14 into 3। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड बन जाएगा, दैट मीन्स 40 into 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया 4 1 4, 4 10 4 10 कितना बचा 40। ठीक है, देयरफॉर फर्दर एम्प्लाइज दैट ये 4x माइनस 3x बच गया x इक्वल टू 10 into 3 30, दैट मीन्स 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है हमारे पास दो पॉइंट के बीच में वो कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्वेश्चन इजिली निकल जाए। ठीक है, तो मैंने इसको डीप में समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स। ठीक है, दो स्पीड्स का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट स्पीड हमें पता था कितनी थी 30 और सेकंड स्पीड कितनी थी 40 थी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दैट मीन्स 30 into 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्पीड, डिफरेंस ऑफ टू स्पीड दो स्पीड का डिफरेंस, तो इसमें से हमने जो बिगर टर्म है बिगर में से हमने स्मॉलर माइनस करनी है, दैट मीन्स 40 minus 30 into डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम्स दैट मीन्स जो अराइवल टाइम्स है उसके बीच में डिफरेंस, दैट मीन्स फर्स्ट था हमारे पास 10 मिनट लेट और सेकंड था 5 मिनट अर्लियर। ठीक है, तो ये हमने किया था 5 मिनट लेट प्लस 10 मिनट लेट प्लस 5 मिनट अर्लियर। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 60 से, 60 से क्यों किया, दैट मीन्स इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, हावर में। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60, इसको हम 1/4 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4। ठीक है, जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पूरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, कैसे आ जाएगी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 30 into 40,
तो यहाँ पे लिखा मैंने 30 × 40 डिवाइडेड बाय 40 − 30 दैट मीन 10 × 1/4 1/4 क्योंकि इसकी जगह पे मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, जब इसको मैं कट करूंगा तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, बचा 30, तो ये बचा 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ, इंपॉर्टेंट नोट दिया, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, 10 मिनट लेट एंड 5 मिनट अर्लियर मेक अ डिफरेंस ऑफ 10+5, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट बताया था पीछे लेट है और 5 मिनट क्या है अर्लियर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बना देता है 10+5 का, दैट मीन 15 मिनट का। एज द अदर यूनिट्स आर इन किलोमीटर पर आवर, द डिफरेंस इन टाइम शुड ऑल्सो बी चेंज्ड इनटू आवर, ठीक है। तो बाकी यूनिट क्या है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आगे हम और भी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।